हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि केको नेट से बाहर निकलने की प्रैक्टिस कर रहा था और इधर प्लेग्राउंड में उसके बाकी फ्रेंड्स खेल रहे थे। वहाँ एक बच्चे की बॉल झाड़ियों में चली जाती है और उसे वहाँ जाने पर अजीब से स्पाइडर दिखती है और वह डरता हुआ बाकी बच्चों के पास आता है और उसके पीछे स्पाइडर भी बाहर आ जाती है और टोनी उसे भगाने के लिए उस पर पत्थर फेंकता है, लेकिन स्पाइडर डबल ट्रिपल और बढ़ती ही जाती है और वहाँ मौजूद सभी बच्चों को चारों तरफ से घेर लेती है। इधर कीको की नेट प्रैक्टिस भी खत्म हो जाती है और वह नेट तोड़कर बाहर आ जाता है। तो भी उसकी R7 की डेंजर लाइट भी ब्लिंक करने लगती है और वह दौड़ता हुआ प्लेग्राउंड की तरफ आता है और वहां आकर बच्चों को बचाने की कोशिश करता है और एक स्पाइडर को पकड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये मैकेनिकल स्पाइडर्स है और ये स्पाइडर्स बढ़ती ही चली जाती है। फिर कीको उनको सफाया करने के लिए सुपर स्पीडो को बुलाता है और सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 721 लगाकर सभी स्पाइडर्स का सफाया कर देता है। और इधर सनकी स्पाइडी अपनी बेबी स्पाइडर्स को हारा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्पाइडर कार में बैठकर वहां से चला जाता है। इधर कीको और बाकी सब डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी न जाने कहां से स्पाइडर आती है और मेयर अंकल को काट लेती है, जिससे मेयर अंकल बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं और चारों तरफ स्पाइडर नेट बनने लगते हैं, जिसे देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। और फिर सनकी स्पाइडी आता है अपने साथ बहुत सारी मैकेनिकल स्पाइडर्स को लेकर और कहता है कि मैं सन सिटी का रूलर बनना चाहता हूँ। मैं अपने बेबी स्पाइडी का यूज करके सभी इंसानों का ब्रेन चोरी करके सबको छोटा बच्चा बना दूंगा और फिर सिर्फ ब्रेन मेरे पास होगा और मैं अपने ब्रेन का यूज करके सन सिटी को रूल करूंगा। और फिर बेबी स्पाइडर्स वहां मौजूद सभी इंसानों को काटने लगते हैं, जिससे सभी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं और ये सब करवाकर सनकी स्पाइडी वहां से जाने लगता है। तो अपना कीको उसे कैसे छोड़ सकता था, तो कीको सुपर स्पीडो को बुलाता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर सुपर स्पीडो भी फॉर्मूला नंबर 173 लगाकर उसके पीछे हवा में उड़ते हुए उसका पीछा करने लगता है और सनकी स्पाइडी सुपर स्पीडो को स्पाइडर वेव में कैप्चर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपना सुपर स्पीडो कहां फंसने वाला था, वह हर बार बसता चला जाता है। फिर सनकी स्पाइडी एक साथ कई सारे स्पाइडर्स को सुपर स्पीडो तरफ भेजता है और वे सभी मैकेनिकल स्पाइडर्स पूरी तरह से सुपर स्पीडो को कवर कर लेती है और फिर सुपर स्पीडो का सिस्टम पूरी तरीके से हिल जाता है। फिर सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 721 लगाकर सभी स्पाइडर्स को अपने ऊपर से हटा देता है। तभी सनकी स्पाइडी स्पाइडर नेट डालकर उन्हें वहीं पर कैद कर लेता है। फिर अपना कीको अपनी नेट प्रैक्टिस को याद करता है और नेट को तोड़कर बाहर आ जाता है और सुपर स्पीडो सनकी स्पाइडी की स्पाइडर कार को भी तोड़ देता है। और फिर सनकी स्पाइडी कीको को धमकी देता है कि मैं इस एंटीडोट का नामो निशान मिटा दूंगा, फिर सन सिटी के लोग हमेशा के लिए छोटे बच्चे बनकर रह जाएंगे। और फिर काफी स्ट्रगल करने के बाद आखिर अपना कीको सनकी स्पाइडी से एंटीडोट ले ही लेता है। इस तरह से कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे साथ आगे भी जुड़े रहे। थैंक यू।